नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज देश के पहले नक्सली कानू सान्याल की पुण्यतिथि है। 1929 में दार्जिलिंग के करसिंग यांग में जन्मे कानू सान्याल अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पिता आनंद गोविंद सान्याल करसियांग के कोर्ट में पदस्थ थे। कानू सान्याल ने करसियांग के ही ME स्कूल से 1946 में मैट्रिक की अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बाद में इंटर की पढ़ाई के लिए उन्होंने जलपाईगुड़ी कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इसके बाद उन्हें दार्जिलिंग के ही कलिंगपोंग कोर्ट में राजस्व क्लर्क की नौकरी मिली, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बंगाल के मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय को काला झंडा दिखाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहते हुए उनकी मुलाकात चारू मजूमदार से हुई, जिनसे उन्हें जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन चलाने की प्रेरणा मिली। जब कानू सान्याल जेल से बाहर आए तो उन्होंने पूर्णकालिक कार्यकर्ता के बतौर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली। 1964 में पार्टी टूटने के बाद उन्होंने माकपा के साथ रहना पसंद किया। 1967 में कानू सान्याल ने दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी में सशस्त्र आंदोलन की अगुवाई की। सान्याल किसानों के नेता के रूप में केंद्र में थे और पुलिस और साहूकारी के अत्याचार के खिलाफ आंदोलन को उन्होंने आग की तरह फैला दिया। विद्रोह को तब बंगाल के सीएम सिद्धार्थ शंकर रे ने तुरंत तो कुचला, लेकिन इसे दुनिया भर में सुर्खियां मिली और बंगाल ही नहीं कई जगहों पर किसानों ने अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाने का रास्ता अपनाया। इसी बीच एक घटना हुई जब गरीब किसान को साहूकारों ने पूरी तरह प्रताड़ित किया। 24 मई 1967 को पुलिस गांव पहुंची तो नाराज लोगों की भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया और एक पुलिस अफसर मारा गया। ये घटना बड़ी थी। अगले दिन पुलिस ने किसान सभा में फायरिंग कर दी, जिसमें 11 लोग मारे गए। यहीं से नक्सल आंदोलन तेज हो गया। इसके बाद नक्सलियों ने जमींदारों को मारना शुरू किया। कई जमींदारों की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कई बार पुलिस के साथ जोरदार एनकाउंटर हुआ। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने नक्सलियों को कुचलने में पूरी ताकत झोंक दी। शीर्ष नक्सल नेता चारू मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया और रहस्यमय हालात में पुलिस कस्टडी में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी तादाद में नक्सली मारे गए या गिरफ्तार तो हुए, लेकिन सरकार उसे कुचल नहीं पाई। धीरे धीरे आंध्र प्रदेश के तेलंगाना इलाके में अपने पांव पूरी तरह से जमा लिए और बिहार उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र तक में अपनी जड़ें जमा ली। इस बीच बेहद खून खराबे से कानू सान्याल का मन विचलित होने लगा। हिंसा से वो दूर होने लगे। बाद में सान्याल को गिरफ्तार किया गया और विशाखापट्टनम में उन्हें जेल में रखा गया। पश्चिम बंगाल और भारत सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद 1977 में उन्हें जेल से रिहा किया गया। पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बासु ने कानू सान्याल की रिहाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे चलकर सान्याल ने हिंसा के रास्ते की आलोचना की और OCCR यानी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी की स्थापना की। कानू सान्याल ने खुद कहा था कि हमारे हिंसक आंदोलन का कोई फल नहीं मिला, इसका कोई औचित्य नहीं है। हालांकि नक्सलियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो भारत के कई राज्यों में आज भी सशस्त्र आंदोलन में लगे हुए हैं। 23 मार्च 2010 को नक्सलबाड़ी गांव में कानू का शव उनके घर में रस्सी से लटका हुआ पाया गया था, जिसे आत्महत्या का मामला करार दिया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।